ये आपका घर नहीं है, ये मेरी मॉम का घर है, जहाँ पे उन्हीं का हुक्म और उन्हीं के उसूल चलते हैं। तुम मुझसे मेरी जान मांगोगे ना तो एक सेकंड में दे दूंगी। अगर तुम एक माँ से उसकी औलाद की जान मांग रहे हो, डॉक्टर परेशा, डॉक्टर पेशेंट को होश आ गया था, उन्हें रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। चाय में आती हूँ। फरमाइए। क्यों बचाया मुझे? मार सकती थी ना? अगर मैं एक डॉक्टर नहीं होती ना तो यकीनन मारते थे। इस वक्त आप मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट की हैसियत से हैं, जिसे बचाना मेरा फर्ज था। नहीं, मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ, तो फिर भी फर्ज निभाया। क्यों? ये सब बातें तुम्हारी समझ में कहाँ आएंगी? तुम ठहरे एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद, ये सब कहाँ मैटर करता होगा तुम्हारे लिए? किस्मत तुम्हें मेरे सामने लेकर आई है, और अगर मुझे दोबारा कभी मौका मिला ना तो मैं अपना बदला जरूर लूंगी तुमसे। किसी खुशफहमी में ना रहना।
मिल गया है। कौन? वही जिसने तुम्हारे और मेरे बीच में इतनी दूरियां बढ़ा दी। एक्सीडेंट हुआ था उसका, हॉस्पिटल में है, उसी का ऑपरेशन करके आ रही हूं मैं। जिंदा या मर गया? जिंदा। हमसा किधर जा रहे हो तुम? तुमने तो अपना फर्ज निभाया होगा, लेकिन मुझ पर ऐसा कोई फर्ज नहीं है। कुछ नहीं करोगे। वो मलिक जहांगीर का बेटा है। मलिक जहांगीर का बेटा होना भी उसकी मौत को नहीं टाल सकता। हमजा, तुम दोनों बहुत बड़ी हो गई हो, इतनी बड़ी कि अपनी मां से भी सारे मामला छुपाने लगी। अरे कोई शौहर से शादी के शुरू दिनों में भी लड़के घर आता है? अम्मी आपको कैसे पता चला? ये बात तुम छोड़ो कि मुझे कैसे पता चला, तुम ये बताओ कि मामला क्या है आखिर। मैं नहीं झगड़ती अम्मी, बिलाल ही अजीब से है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं उन्हें। क्या बुरा लगता है, किस बात पे कब मूड ऑफ हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ममाज बुआ है, मॉम के इशारों पे चलने वाले। जैसा बेटा ऐसी बातें नहीं करते। देखो वो उनका इकलौता बेटा है, जाहिर है दोनों एक दूसरे के मामले में पोजेसिव तो होंगे ना। बस तुमको तो ये चाहिए कि अपनी घरदारी को समझदारी से संभालो। अम्मी आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है? देखो मेरी जान, आसान तो कोई भी काम नहीं होता जिंदगी में, मुश्किलें तो झेलनी पड़ती है ना इंसान को। बस तुम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अपने शौहर के घर में आराम से बैठी रहो, समझ गए? ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। खुदा हाफिज बेटा, जियो खुश रहो। खुदा हाफिज। कितनी चोटें लगी हुई हैं इसे। ओहो बंद करो ये रोना धोना, वो कोई मरा नहीं है जो बैठ के आंसू बहाती जा रही हो यहां पे। सलाम अलैकुम अंकल। सलाम अलैकुम अंकल। यही हॉस्पिटल मिला था तुम्हें मेरे बेटे के लिए? अरे इस थर्ड क्लास हॉस्पिटल के अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था तुम्हें? अंकल इसकी हालत बहुत खराब थी और यही नजदीक था, अच्छे हॉस्पिटल के चक्कर में रहते तो भाई की हालत और खतरे में पड़ जाती। अंकल ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्लस यहाँ इलाज भी अच्छा होता है। अच्छा अच्छा जाओ ड्यूटी पे, देखो कौन डॉक्टर है, हम आज यहाँ से मूव करेंगे। अरे जाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हमसा क्या हो गया, वुड यू प्लीज काम डाउन यार। स्पीड तो किसी और की वजह से अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो? जो जी रहा हूं उसे जिंदगी कहते हैं। जिया तो सिर्फ तब तक जब तुम मेरे साथ। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने, कुछ नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ूंगा उसे किसी सूरत में। स्लो डाउन हमजा, प्लीज स्लो डाउन। ओह माय गॉड, ठीक है चलो मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। ओके वेट वेट, हे हे हे,
कहां घुसे चले आ रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे की तरफ काफी हिसाब निकलता है मेरा, वही चुकाने आया हूं। पैसे चाहिए? नहीं, जान चाहिए। मेरा बेटा है ये, किसी सड़क छाप का बेटा नहीं है जो तुम जान लेने पहुंच गए हो। कब तक छुपाओगे ऐसे? छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। मेरे बेटे का अगर एक भी बाल भीगा हुआ ना, तो तेरा पूरा खानदान मरेगा। यही है वो? नहीं, रिलैक्स, छोड़ दो इस, रिलैक्स। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दे देता हूं, तुम दोनों मियां बीवी अपनी मर्जी की रकम उसमें भर लेना और ऐश करना। ले जाओ इसे, बताओ इसे कि मलक जहांगीर के गिरेबान पे हाथ डालने का अंजाम क्या होता है। जान से मार दूंगा। मार देगा। मलक जहांगीर ने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। बेटा, डोंट यू वरी, फिक्र नहीं करना, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक। यहाँ अकेले क्यों बैठी? शिजा कहाँ? ऊपर के ये तैयार हो रहे हैं। फिलहाल तो शिजा से रूठ ना हुआ था। कैसा था आज का दिन? Don't ask. अच्छा? Tough as usual. खाना वाला खा लिया था? जी, थोड़ा बहुत। आपने खाया? हाँ। क्या बात है, खड़ी हुई क्यों हो? वो बेगम साहिबा आपसे कुछ बात करनी थी। तो करो। वो शेजा बीबी। क्या शेजा बीबी? शेजा बीबी लगाई हुई है भाई। वो शेजा बीबी अपनी अम्मी जी से आपके बारे में कुछ गलत सलत बातें कर रही थी। और तुम बातें सुन रही थी? एक तो तुम छुप छुप के बातें सुनती हो, ऊपर से शिकायत लगाने के लिए आ गई। कितनी गैर अखलाकी हरकत है ये, जा सकती हो तुम यहाँ से। मैं अपने घर वाले को वॉइस नोट भेज रही थी तो वो खुद ही बातें करते करते सामने आ गई। मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो खुद ही रिकॉर्ड हो गया। जाओ तुम यहाँ से, कितनी गैर अखलाकी हरकत है। एक मिनट, क्या गलत सलत का है? मैं नहीं जी करती अम्मी, फिलहाल ये अजीब से है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे हैंडल करूं ने। क्या बुरा लगता है, किस बात पे कब मूड ऑफ हो जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। बिल्कुल ममाज मुआ है, मॉम के इशारों पे चलने वाले। चला था तू, यही तेरा किस्सा खत्म कर देना चाहिए। गोली मत चलाना प्लीज, गोली मत चलाना। मैं देख क्या रहा है, ठोक साले को। अगर तुम लोगों ने गोली चलाई ना तो थोड़ी ही देर में तुम लोगों के साहब के खिलाफ हर न्यूज चैनल पे रिपोर्ट चलेगी। वो न्यूज चलेगी कि तुम लोग याद रखोगे। मेरी बहन न्यूज रिपोर्टर है, मैंने कॉल किया उसे, वो यहाँ पे पहुंचने वाली है अपनी टीम के साथ। इसलिए ऐसी गलती करने का सोचना भी मत। बड़ा तुम और तुम्हारे साहब सलाखों के पीछे देखोगे, मैं सारे कट्टे चट्टे खोल दूंगी पुलिस स्टेशन जाकर। चलते हैं, बाद में देखेंगे। आई समझ, निकलो यहाँ से।
ओके? प्लीज चलो यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। अपनी चोटें देखो। मुझ पर या मेरी हालत पर रहम खाने की जरूरत नहीं है। बदला लेने का अच्छा मौका मिला था, वो भी जाया कर दी। तुम्हें बात क्यों समझ में नहीं आ रही हमजा? मैं वहां अपनी ड्यूटी पे थी, उसे बचाना फर्ज था मेरा, और क्या करती मैं? जो भी है प्लीज जाओ यहां से। बिलाल? बिलाल नहीं, मामाज बॉय का हूं। कुछ समझ ही नहीं आता, बिल्कुल मामाज बॉय, मॉम के इशारों पे चलने वाले। ये आप ही की आवाज है ना? हाँ मैंने कहा था, लेकिन 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 क्या? नहीं मुझे सुनना है इस एक्सक्यूज को। इस तरह आपने अपने घर वालों के सामने मुझे बेइज्जत किया है, और तो और आपने हमारे घर के मुलाजमों के सामने भी मेरी दो कौड़ी की इज्जत नहीं रखी। क्या सोचेंगे वो कि मेरी बीवी के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? शन्नो, शन्नो! जी जी साहब जी। ये लो फोन, थोड़ी पकड़ो अपनी तनख्वाह। लेकिन साहब जी महीना तो अभी शुरू हुआ है। जी महीना शुरू हुआ होगा, लेकिन आपका महीना खत्म हो चुका है। बेगम साहिबा, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ना निकालें। बिलाल, मम आप कुछ नहीं कहेंगी। इस तरीके के मुलाजमों को घर पे रखने से और घर की बातें बाहर निकालने से बेहतर है कि इन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया जाए। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। सॉरी, मैं अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बिलाल, ये यहां से कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये घर इसका भी है। मम, आपने सुना ना इसने हमारे बारे में क्या कहा है, उसके बावजूद आप इसे हमारे घर में रखना चाहती है? ठीक, शीजा ने गलत किया हमारे बारे में अपनी अम्मी से डिस्कस करके, लेकिन अब तुम इसे इसके घर छोड़ के आए तो ये ज्यादा गलत होगा। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह की नहीं की थी कि अपनी माँ को लेट डाउन करते थे। छोड़ो, छोड़ो इसका हाथ। मैं कह रही हूं छोड़ो इसका हाथ, सुना नहीं तुमने? Very disappointed in you. लाख लाख शुक्र है कि मेरे दिमाग में तुम्हारा ख्याल आ गया इन वक्त पे। अगर नहीं आता ना
तो हम दोनों की डेड बॉडीज करानी थी। इतना आसान नहीं है किसी को मारना, ये पुराना जमाना नहीं है। सोशल मीडिया पे एकदम से हंगामा मच जाता और उनकी सारी अकड़ निकल जाती। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि आप भी स्टैंड लें, ताकि इनके और इनके बेटे के करतूत सबके सामने आए, और जब सोशल मीडिया पे हंगामा मचे तो इन्हें एहसास हो कि आपको कमजोर समझ के इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। किसकी बात हो रही? शरीफ भाई, उसी अमीरजादे की जिसने आप ही को किडनैप करने की कोशिश की थी, मलिक जहांगीर का बेटा। उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो आप ही के अस्पताल में एडमिटेड है, और आप ही नहीं उसकी सर्जरी की है। मलिक जहांगीर वजदान। सोचें कि जब उसके और उसके बेटे के करतूत सबके सामने आएंगे तो उसका क्या हाल होगा। ये क्या बेवकूफों वाले मशवरे दे रही हो सर? और तुम खबरदार, जो तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया उसके सामने डट के खड़े हों ऐसी ना औकात है ना ही हिम्मत। इसलिए जो कुछ हुआ उसे भुलाकर आगे बढ़ो। This is wrong. तुम परी को उकसाना बंद करो। शेजा की दोस्त हो ना तुम? शेजा इस घर से जा चुकी, अगर उसे मिलना हो तो उसके ससुराल जाकर मिलो। क्या मतलब इसे शहरयार? शिजा अगर चली गई तो क्या हुआ? मैं और परी तो है ना, और ये भी मेरी बेटी है। अम्मी, रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं, मुंह जुबानी रिश्ते ना बनते हैं ना निपते। और अगर आज के बाद मुझे ये यहां नजर आई ना, तो प्लीज शिकायत मत कीजिएगा मेरे रवैये के लिए। बेटा बात सुनो ना, तो भी हो गया ये। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। तुम फिर से आ गई? बेगम साहिबा, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तुम जहां भी जाओ, लेकिन मैंने तुमसे कहा था तुम इस घर में मुझे नजर ना आओ। बिलाल को तो तुम जानती हो ना? चल दो मिनट रुको। ये रखो तुम्हारा इनाम, जो भी तुमने किया, और खबरदार किसी को नहीं बताना कि वो वॉइस नोट मैंने तुम्हें भेजा था, समझी? लेकिन बेगम साहिबा, बस अब तुम जा सकते हो। दोनों बहनों ने जो मिलके हमारा सुकून बर्बाद किया, अगर परीसा ने कोई ऐसा कदम उठाया ना फरिया, तो हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जहांगीर वजदान कोई आम आदमी नहीं है, एक बार पीछे पड़ गया ना तो कब्र तक जान नहीं छोड़ेगा। वो तो शायद मार के किस्सा ही खत्म करते, लेकिन जरा सोचें, अगर हिना के कहने पे परीसा ने सारी रुदात सबको सुना डाली तो कितनी रुसवाई होगी। जो बात अब तक छुपी हुई है सबके सामने खोल के कितना तमाशा लगाएंगे हमारे ये लोग। शिजा की नई नई शादी हुई, उसका भी घर खराब होगा। तुम अम्मी को समझाओ, कम से कम वो तो इस मामले में परी को सपोर्ट ना करें। मेरे समझाने पे तो जैसे मान जाएंगी अम्मी। हमजा की नाराजगी का कहोगी तो समझ जाएंगे, और वैसे भी अम्मी परी और हमजा के रिश्ते को किसी भी सूरत तोड़ना नहीं चाहती, और परी को सिर्फ अम्मी ही हैंडल कर सकती हैं। देखो, अगर परीसा ने कुछ ऐसा वैसा कदम उठाया ना, तो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है।
हेलो शिजा यार, आप ही शिजा, क्या हुआ है? तुम रो रही हो? बिलाल ने कुछ कहा है? एक सेकंड, मैं बात करती हूँ आपसे। मॉम जैसी नजर आती है ना, वैसी है नहीं। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? खुल के बताओ ना मुझे। इस घर का माहौल बहुत अजीब है। फोन पे की जाने वाली बात तक रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये क्या फजूल हरकत है भाई, इस तरह कौन करता है? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बिलाल से डर लगने लग गया है मुझे। शजा, वो शौहर है तुम्हारा, उसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम उसे प्यार से हैंडल करके देखो ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ा मसला है, वो प्यार से नहीं सिर्फ मॉम से हैंडल होते हैं। किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तुम अपनी अच्छी नीयत से करते रहो ट्राई, अल्लाह मियां बेहतर करेगा। प्लीज परेशान नहीं हो ऐसे शजा। एक सेकेंड, आप ही बिलाल आ गए, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। लाए मुझे दे दे। बस करो, क्यों इसका खून खुश कर रहे? मम, आप अभी भी इसकी साइड लेंगी? हाँ बिल्कुल लूंगी इसकी साइड। ये तुम्हारी बीवी है, मेरी बहू है ये। आज शाबाश मेरे पास आ जाओ। ये खा नहीं जाएगा तुम्हें। और अब बस करो, नाराजगी दूर करो, मुस्कुरा दो। मॉम की बात भी नहीं सुनोगे? मुस्कुरा दो। चलो शाबाश, कम ऑन। बेटा चलो, नाराजगी दूर करो, तुम भी मुस्कुरा दो। शाब, कम ऑन कम ऑन। चलो आज थैंक यू। तो नहीं हो तुम? अभी तो बिगाड़ी लग जाती। मुझे आपके हाथों मरने का बिल्कुल दुख नहीं होता। I'm really sorry about that day. भाई ने जो कुछ भी तुमसे कहा था ना, बहुत गलत था। Honestly, उस दिन के बाद से मुझे लगा था कि शायद हमसे मिलना दूर की बात, तुम तो शक्ल भी देखना पसंद नहीं करोगी। मैं शरीफ भाई की बातों को ना सीरियसली नहीं लेती, और वैसे भी मेरा जो आपसे और आंटी से रिश्ता बन गया है वो चंद बातों से थोड़ी तोड़ा जा सकता है। मैं इस मामले में बहुत ढीठ हूँ, इसलिए बेफिक्र रहें, मैं आपकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली।
फिर क्या सोचा आपने? इससे पहले कि हमजा भाई एक ऐसा इंतहाई कदम उठाएं जो उन्हें परेशानी में डाले, आपको ये स्टेप लेना पड़ेगा। इसे मौके पे खामोश रहे कि इन जालिमों के हाथ मजबूत नहीं करने चाहिए। और वैसे भी मीडिया चैनल आपको फुल सपोर्ट देगी। एक तो ये हर बात पे जो तुम्हारे अंदर का जर्नलिस्ट जाग जाता है ना, हर चीज सिर्फ न्यूज ही है क्या? सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। देखें, अगर आप अपना इरादा बदल देती हैं ना तो आप मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, बिल्कुल। फिर क्या सोचा है आपने? सर, आपने जब बोल दिया फिर सोचना कैसा? बस मेरा एक मासूम सा सवाल है, इन सब में हमारा क्या फायदा होगा? डोनेशन जितना चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो बस फिर ठीक है सर, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। ये डॉक्टर दोबारा इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आनी चाहिए। यस सर, अब वो डॉक्टर कभी आपको इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आएगी। थैंक यू। असफंद, क्या हो गया ऐसा? असफंद, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? एक गलत इंजेक्शन लगा देती तो मर जाता ना मैं। बदला ले लेती, सब खत्म हो जाता, लेकिन कुछ किया ही नहीं उसने। उसकी क्या मजाल के वो कुछ ऐसा करे? वो सिर्फ एक मामूली डॉक्टर है। एक मामूली डॉक्टर एक गैर मामूली इंसान है। अब समझ ही नहीं रही, कुछ भी कर सकती थी, मार देती मुझे, लेकिन उसने कुछ किया ही नहीं। कोई ना पूछता उससे, कोई कुछ ना कहता उसको। ये कैसी बातें कर रहा है तू? क्यों माँ का दिल हौला रहा है तू इस तरह की बातें करके? कोई समझ ही नहीं रहा। देखे ना इसे, ये कैसी बातें कर रहा है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। बैड कुछ भी कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। Excuse me, मैम ये एडमिन की तरफ से आया है। थैंक यू, मैं देख लेती हूँ। Thank you.